So we have now completed with basic maths, and now we are going to start chapter number one of physics, that is motion in one dimension, or also called as rectilinear motion. Okay, and this chapter is sometimes also called as rest or rest and motion. In simple words, this is also called as rest and motion. और सब कहीं पे आप देखोगे लिखा रहेगा मोशन इन वन डायमेंशन, कहीं पे आप देखोगे लिखा रहेगा रेक्टिलिनियर मोशन. ऑलराइट, तो लेट अस स्टार्ट. सो रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन वन डायमेंशन, तो दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट, यू नो, जैसे लेट अस टेक अ स्ट्रेट पाथ लाइक दिस. सो इफ अ पार्टिकल इज, यू नो, इफ इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ लाइक दिस, अलोंग अ स्ट्रेट पाथ in one dimension, along one dimension, you know, maybe the x-axis. So only one dimension, then it's called as motion in one dimension. All right, then it's called as motion in one dimension. So we are going to discuss about a particle which is moving in one dimension. Okay, which is moving in one dimension. All right, so we are going to discuss that is moving along a straight line. So this is also called as motion in a straight line. राइट, कहीं पे इस चैप्टर नाम ऐसा भी रहता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. तो इस तरह से आप देखोगे अलग अलग बुक्स में अलग अलग ये हेडिंग दिया रहता है, लेकिन एक ही है सबका. मीनिंग जो है, द मीनिंग इज सेम, वन एंड द सेम. राइट, ओके, ठीक है. तो यहां पे फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. ठीक है, सो सबसे पहले वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ मोशन. राइट, सो टाइप्स ऑफ मोशन में द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू नो, जो हम लोगों को जानना है वो है ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन, ठीक है, या फिर इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन और व्हाट इज ट्रांसलेशन. ठीक है, सो व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, सो इफ अ पार्टिकल, राइट, इफ देयर इज अ पार्टिकल, लेट अस से दिस इज अ पार्टिकल हैविंग अ मास एम. ओके, और सो इफ देयर इज अ पार्टिकल एम विच इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी वी, राइट, ओके, सो इट मे बी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और इट मे बी मूविंग अलोंग अ कर्व पाथ, देन दिस इज कॉल्ड एज कर्वीलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन. इट इज मूविंग अलोंग कर्व पाथ. दिस इज अ रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन. इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ऑलराइट, एंड लेट अस से लेट अस टेक अ डिफरेंट एग्जांपल. लेट अस टेक कि जैसे यू नो देयर इज अ बॉक्स लाइक दिस एंड दिस बॉक्स इज मूविंग, राइट. द बॉक्स इज मूविंग इन सच अ वे दैट ऑल द पार्टिकल्स आर हैविंग द सेम वेलोसिटी वी. ऑल द पार्टिकल्स आर हैविंग द सेम वेलोसिटी वी, राइट. देन इफ इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन. इफ इट इज मूविंग अलोंग अ कर्व पाथ इट इज कॉल्ड अ कर्वीलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन, राइट. सो द कंडीशन इज दैट, कंडीशन इज दैट बट ऑल दिस पार्टिकल्स दे मस्ट बी हैविंग अ कॉन्स्टेंट स्पीड, दे मस्ट बी हैविंग द सेम वेलोसिटी, देन दिस इज कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट. Then this is called as a point object, and that this point object is moving along either a straight path, is moving along a curved path, right? It is translating from one point to another. It is moving from one point to another. All right. Then that is called its translation. Translation का मतलब क्या है? कि एक point से ये particle या point object start हो रहा है और वो दूसरे point तक जा रहा है. ठीक है? Then that is called as translation. That is moving from one point to another. So that's translatory motion. All right. So translation is going from one point
to another, right? Translating, the entire body translates from one point to another. Okay, now the another type, second type of the motion is the rotatory motion or the rotation. All right, so the second one is rotation, or we can call it as rotatory motion. Now what is rotatory motion? So we can take example of fan, the ceiling fan, right? So I am taking this example of this fan. Okay, मैंने फैन का एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, और ये एक एक्सिस, फिक्स्ड एक्सिस, हमको पता है कि इस एक्सिस के अबाउट ये फैन इस तरह से रोटेट होता है, राइट? इट रोटेट्स लाइक दिस, करेक्ट? सो दिस इज रोटेटरी मोशन, दिस नॉट ट्रांसलेटरी मोशन. वो फैन एक ही जगह पे, सीलिंग फैन जो है वो एक जगह पे फिक्स्ड है, राइट? जो सीलिंग फैन है वो क्या है, बेसिकली वो एक जगह पे फिक्स्ड है, राइट? और एक जगह पे फिक्स्ड है और क्या कर रहा है, वो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. तो उसमें जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो फिक्स्ड है. एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है? फिक्स. अब देखोगे फैन जो है, फैन में एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स्ड है, ठीक है? तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो जिसको हम लोग AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड, वो एक जगह पर फिक्स होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन या रोटेटरी मोशन, ठीक है? प्योर रोटेटरी मोशन, इसमें सिर्फ रोटेशन हो रहा है, ये एक जगह पे घूम रहा है इस तरह से, ठीक है? और ये इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ओके? और ये इस तरह से घूम रहा है. तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जब ये डिस्कस किया था यूनिट्स एंड डायमेंशन, तब हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी जो है उसको डिस्कस किया था कि वो क्या होता है, राइट? तो थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज डी थीटा बाय डीटी. तो जिस रेट से ये घूम रहा है, ओके? तो ये है प्योर रोटेटरी मोशन. इसमें क्या है, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड, मतलब तो यहाँ पे जो आप पार्टिकल देख रहे हो, तो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो हर पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इसका स्पीड, इसका स्पीड, सबका स्पीड अलग है, सबका स्पीड क्या है, अलग है, ओके? तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं जहां पे हर पार्टिकल का स्पीड अलग होता है, तो उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, ठीक है? तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रिजिड बॉडी. इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ना कह के इसको हम लोग कहते हैं रिजिड बॉडी. तो रिजिड बॉडी क्या है, तो रिजिड बॉडी मतलब ये है कि उसके लिए मतलब दो कंडीशंस. पहला तो ये है कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स के स्पीड सेम हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि इसमें जो भी दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता, ठीक है? जो दो पार्टिकल्स हम लोग ले रहे हैं, कोई भी आप दो पार्टिकल ले लो, तो उस दो पार्टिकल के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस कभी नहीं चेंज होता, मतलब वो जितने दूरी पे है उतने दूरी पे ही रहते हैं परमानेंटली. तो वैसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं रिजिड बॉडी, ठीक है? तो जब भी हम रोटेशन की बात करते हैं तो वी ऑलवेज टेक रिजिड बॉडीज, क्योंकि रोटेशन में जो है यहाँ पे ये जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं इनके स्पीड सेम नहीं रहते, राइट? जैसे आप देख सकते हो कि फैन में सबसे ज्यादा तेज स्पीड ये एंड का रहता है, राइट? अगर आपने यहाँ पे उंगली रखी तो आपको सबसे ज्यादा चोट लगेगी यहाँ पे, राइट? ना कि यहाँ पे. तो अभी हम बस ऐसे समझ रहे हैं कि इसका स्पीड सबसे ज्यादा, लेकिन इसका स्पीड सबसे ज्यादा क्यों है ये हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन में, ठीक है? तो जब हम लोग सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे ये अलग अलग स्पीड क्यों होता है. तो अभी हम जस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक रिजिड बॉडी. तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब कैसा है, वो ऑब्जेक्ट जिसमें हर पार्टिकल का वेलोसिटी सेम हो, हर पार्टिकल के, मतलब ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब ये नहीं है कि उसको पॉइंट ही होना है. वो पॉइंट ऑब्जेक्ट एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है? वो एक कार भी हो सकता है, वो एक बहुत बड़ा स्टोन भी हो सकता है, बट पॉइंट ये है कि उसके अंदर के सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, मतलब सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है, वेलोसिटी का डायरेक्शन और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का डायरेक्शन और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो सेम होना चाहिए. लेकिन रिजिड बॉडी मतलब, रिजिड बॉडी में क्या है, जो उसमें पार्टिकल्स हैं वो सबके स्पीड अलग अलग हो सकते हैं, राइट? जैसे कि पहाड़ से एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे आ रहा है, गिर रहा है, रोल कर रहा है. अब रोल कर रहा है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है सबका वेलोसिटी अलग है, सबके वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है, सबके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अलग है, ठीक है?
तो वो जो आ रहा है राइट, उसमें उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम पॉइंट पार्टिकल नहीं बोल सकते, उसको हमें बोलना पड़ेगा रिजिड बॉडी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि एक बहुत बड़ा बॉक्स है और वो बॉक्स फिसलते हुए आ रहा है ऊपर से, तो इस बॉक्स को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि बॉक्स जो है वो रोटेट नहीं कर रहा है, बॉक्स एकदम ऐसे आ रहा है, अखा ऐसे आ रहा है। तो बॉक्स के अंदर का सारा जो जितने पार्टिकल्स है सबका वेलोसिटी सेम है। अगर बॉक्स ऊपर ऐसे है सबका वेलोसिटी ऐसे है, बॉक्स नीचे सबका वेलोसिटी नीचे, तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको मान सकते हैं? जिसके अंदर के सारे पार्टिकल्स के वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। लेकिन जिसके अंदर का जो पार्टिकल्स है, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स के वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं है, तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानना है, उसको मानना है रिजिड बॉडी, ठीक है। और उसमें एक और कंडीशन ये भी होगा कि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन चेंज नहीं होगा, उनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन चेंज नहीं होगा, तब उसको रिजिड बॉडी बोलेंगे। तो जब भी हम बात करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन की या ट्रांसलेटरी मोशन की, ये वाला पहला वाला जो था रेक्टिलिनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन, उसमें हम लोग डील करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ। और जब भी हम लोग बात करते हैं रोटेटरी मोशन, कभी भी रोटेशन इन्वॉल्व हो जाता है, तो हम लोग बात करते हैं रिजिड बॉडी के बारे में, ठीक है, यानी एंटायर बॉडी, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे, जैसे मार्कर, अभी ये जो मार्कर है जब ये इस तरह मूव कर रहा है सीधा 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 इस तरह से, तो इसमें हर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है? हर पार्टिकल का वेलोसिटी इसमें सेम है, तो इस मार्कर को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हो। इसी मार्कर को आप क्या ले सकते हो? पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मान लो आप ऐसे ले लिया, अभी ऐसे जा रहा है, तो हर पार्टिकल का वेलोसिटी सेम है, ठीक है, इसलिए आप इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हो। लेकिन अगर आपने इसको इस तरह घुमा दिया, अगर आपने इसको इस तरह घुमा दिया, तो अभी हर पार्टिकल का स्पीड सेम नहीं है। जैसे ये वाला ऊपर आ रहा है तो ये नीचे जा रहा है, तो हर पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी अलग होगा, डायरेक्शन भी अलग होगा, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो तब मैं इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानूंगा, इसी मार्कर को तब मुझे रिजिड बॉडी मानना पड़ेगा। इसी मार्कर को तब मुझे क्या मानना पड़ेगा? तब मुझे इसको रिजिड बॉडी मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा आपको? तो वो डिपेंड करता है कि हमें कब उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है, कब रिजिड बॉडी मानना है। अगर वो पार्टिकल, अगर उस बॉडी के सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो हम लोग उसको मान सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब इसको पूरे को हटा के पॉइंट ले लेंगे, इसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर यही रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट करते हुए जा रहा है राइट, तो फिर इसमें हर पार्टिकल वेलोसिटी अलग है, तब इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, तब ये हो जाता है रिजिड बॉडी, ठीक है। तो रोटेशन में हम लोग कंसिडर करते हैं रिजिड बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया रोटेशन, तो ये हो गया आपका प्योर रोटेशन राइट। ये क्या है? ये है प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड टाइप। अच्छा, ये था सेकेंड टाइप, अब बात करते हैं हम लोग थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या है? थर्ड टाइप मतलब जिसमें रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों कंबाइंड हो जाए, रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों क्या हो जाए? कंबाइंड हो जाए, ठीक है। तो थर्ड टाइप वो देखते हैं। तो ये थर्ड टाइप ऑफ मोशन कहाँ देखने को मिलता है हम लोगों को, कहाँ पे हम लोग देख सकते हैं? तो हम लोग देख सकते हैं कार का व्हील या साइकिल का जो व्हील है, तो दिस इज कंबाइंड कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं एक व्हील, ठीक है। तो कोई भी व्हील ले लो आप, साइकिल का व्हील या कार का व्हील राइट, तो वो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से वो रोटेट कर रहा होता है, तो आप देख सकते हैं कि वो व्हील आगे भी जा रहा है राइट, ठीक है, और वो व्हील घूम भी रहा है। मतलब इस व्हील का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है, वो मूवेबल है, ठीक है। तो पहली बात इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट, कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, इट इज नॉट फिक्स्ड, वो एक जगह पे फिक्स नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली वो कैसा है, वो मूवेबल है, वो मूव कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ट्रांसलेशन भी हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है किसका, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये मूव कर रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद जब ये व्हील यहाँ पहुंच जाएगा, तब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पहुंच जाएगा, तो आप देख सकते हो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसलेट हो रहा है राइट। वो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, एक कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है।
तो जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है उसका स्पीड भी कांस्टेंट है, वो एक कांस्टेंट स्पीड वी से आगे मूव कर रहा है, ठीक है। उसका स्पीड चेंज हो सकता है, अगर आपने कार का एक्सीलेटर दबाया, स्पीड का कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर, लेकिन पॉइंट ये है कि ये एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, यानी वो जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो ट्रांसलेशन कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है एक्सेस ऑफ रोटेशन का, ठीक है। और आप देख सकते हो कि ये पूरा व्हील रोटेट कर रहा है एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट, है कि नहीं। जैसे ये पॉइंट यहाँ है ए, कुछ देर के बाद ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा ए, ये पॉइंट यहाँ है बी, ये घूम के यहाँ पहुंच जाएगा बी, मतलब यहाँ पे रोटेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देयर इज रोटेशन ऑफ द व्हील, देयर इज रोटेशन ऑफ द व्हील अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन भी हो रहा है, जो पूरा व्हील है वो आगे ट्रांसलेट कर रहा है, उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो सेंटर ऑफ, जो सेंटर है व्हील का, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आगे जा रहा है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन का क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। और जो व्हील है, पूरा व्हील, ये पूरा व्हील रोटेट कर रहा है इसके अबाउट, ये पूरा व्हील इसके अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट। तो यहाँ पे रोटेशन भी है, रोटेशन ऑफ द व्हील अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन ऑफ द व्हील भी है। इसलिए थर्ड टाइप जो है ये, तो थर्ड टाइप जो है ये कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन चीजें हमें पढ़नी है, एक तो ट्रांसलेटरी मोशन, एक रोटेटरी मोशन, और तीसरा कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। तो जो फर्स्ट 10 चैप्टर्स है, फर्स्ट 10 चैप्टर्स यहां से स्टार्ट होते, चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर वन से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक हमें बस ये तीन चीज पढ़नी है, मतलब इसके बारे में पढ़ना है, इससे रिलेटेड चीजें पढ़नी है, इस टाइप के मोशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये है इसका एक आइडिया, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं, ये हो गया टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है, टू डायमेंशन क्या होता है, और थ्री डायमेंशन मोशन क्या होता है, थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो ओके, तो देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज यू नो मोशन इन वन डायमेंशन या वन डायमेंशनल मोशन, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। ओके ओके, तो इसको हम लोग कह सकते हैं वन डायमेंशनल मोशन भी कह सकते हैं, ठीक है, या मोशन इन वन डायमेंशन। तो इसमें क्या है, इसमें ऐसा है कि द पार्टिकल, पार्टिकल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल हो सकता है, बस कंडीशन ये है कि उसके अंदर के सारे जो पार्टिकल्स हैं सबका वेलोसिटी सेम होना चाहिए, सबका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो हम लोग उसको पार्टिकल कह सकते हैं। तो द पार्टिकल मूव्स अलोंग फिक्स्ड फिक्स्ड डायरेक्शन, एक फिक्स्ड डायरेक्शन के अलाउ मूव करता है पार्टिकल, पार्टिकल मूव्स अलाउ फिक्स्ड डायरेक्शन। तो वो मान लो ऐसे चल रहा है इस तरह से, फिक्स्ड इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसी को एक्स एक्सिस मान लो, नहीं मन कर रहा इसी को वाई एक्सिस मान लो, नहीं तो इसी को जेड एक्सिस मान, कोई तो एक एक्सिस मान लो, कोई तो एक डायमेंशन मान लो, एक्स वाई जेड, ठीक है। पार्टिकल ऐसे चल रहा है, मान लो चलो पार्टिकल ऐसे जा रहा है स्ट्रेट लाइन के अलाउ, जैसे कभी कभी एक सीधा रास्ता रहता है और उस सीधे रास्ते पे हम लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं राइट, तो एकदम स्ट्रेट पाथ के अलोंग चलाते हैं, तो वो मोशन इन वन डायमेंशन हो गया राइट, एंड स्ट्रेट पाथ, तो दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन ऑलराइट। सो इफ वी आर ड्राइविंग अ साइकिल अलोंग वन स्ट्रेट लाइन, दैट्स मोशन इन वन डायमेंशन। सो उसी को कोई एक्सिस मान लो, एक्स वाई जेड कुछ तो मान लो, सो दैट इज मोशन वन डायमेंशन। इफ द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन, इफ द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन, देन दैट इज कॉल्ड एज मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन, इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, इसके एग्जांपल हो गया कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, ये हो गया मोशन इन वन डायमेंशन। अब बात करते हैं हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक है। तो टू डायमेंशन का मतलब होता है प्लेन, इसको हम लोग कह सकते हैं मोशन इन अ प्लेन,
जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड कैसा है, ये व्हाइट बोर्ड है टू डायमेंशनल, इसका एक लेंथ है इसका एक ब्रेथ है, तो एक प्लेन हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक प्लेन है, ठीक है, इसका ये लेंथ है और इसका ये ब्रेथ है, ठीक है, तो ये पूरा एक क्या हो गया, ये एक प्लेन हो गया। तो अगर इसमें ये मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से ये मूव कर रहा है, तो ये हो गया मोशन इन अ प्लेन, ये क्या हो गया, मोशन इन अ प्लेन, समझ में आ रहा आप लोगों को? ठीक है, तो दिस इज मोशन इन अ प्लेन, तो मोशन इन टू डायमेंशन इज बेसिकली मोशन इन अ प्लेन। तो इसमें जो है पार्टिकल मूव्स ऑन अ फिक्स प्लेन, इसमें क्या होगा, द पार्टिकल मूव्स ऑन अ फिक्स्ड प्लेन, एक फिक्स्ड प्लेन में मूव करता है, इट मूव्स ऑन अ फिक्स्ड प्लेन। जैसे मान लो कि यहां पे आपने ले लिया ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ये एक प्लेन हो गया, ये क्या हो गया, एक प्लेन, और इसी में पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, देखो इस तरह से, तो ये इस तरह मूव कर रहा है पार्टिकल, तो दिस इज मोशन इन टू डायमेंशन। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि अगर मैंने मार्कर को फेंका इस तरह से फेंका, तो ये मार्कर एक प्लेन में मूव करेगा, है कि नहीं, जैसे आप देखते हो क्रिकेट में देखते हो, वो क्रिकेटर जब बॉल को थ्रो करते हैं इस तरह से, राइट, बॉल को जब थ्रो करते हैं तो वो बॉल कैसे ट्रैवल करता है, वो बॉल एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ट्रैवल करता है और एक ही पाथ में ट्रैवल करता है, एक ही प्लेन में ट्रैवल करता है कि नहीं, वो अपना प्लेन नहीं चेंज करता, राइट। जैसे कि उसने बॉल को फेंक दिया, और उसने बॉल को फेंक दिया तो बॉल ऐसे ऐसे नहीं जाती, ऐसे 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 जाती है क्या, नहीं जाती है कि नहीं, वो अपना प्लेन नहीं चेंज करती, वो एक ही प्लेन में मूव करती है, तो वो है टू डायमेंशनल मोशन, यानी मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन इज कॉल्ड एज मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल एक हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो इसका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल इसका हो सकता है जैसे कि आपने एक पत्थर ले लिया, और उस पत्थर को आपने एक स्टोन लिया, उसको स्ट्रिंग से टाई किया, और उसको आप ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, तो आप देखोगे वो एक फिक्स प्लेन में मूव कर रहा है पत्थर, एक फिक्स प्लेन में मूव कर रहा है, यानी हम सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं, है कि नहीं, सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, तो ये है मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, समझ में आप लोगों को? अब हम लोग बात करते हैं मोशन इन थ्री डायमेंशन। ठीक है, तो ये जो है ये आएगा अपना फोर्थ चैप्टर में, सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और प्रोजेक्टाइल मोशन यानी थर्ड चैप्टर, थर्ड और फोर्थ में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ये इंट्रोडक्शन है कि नेक्स्ट 10 चैप्टर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट 10 चैप्टर्स, तो टोटल जो है अराउंड 35 चैप्टर्स है, तो फर्स्ट 10 चैप्टर्स में हम लोग क्या पढ़ने वाला है, तो उसका एक इंट्रोडक्शन है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, उसका कॉम्बिनेशन, समझ में आ रहा है? तो दैट इज व्हाट वी गोइंग टू स्टडी, वी गोइंग टू स्टडी दिस एंड देन मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन अलॉन्ग वन डायमेंशन, देन मोशन इन अलॉन्ग टू डायमेंशन, एक्स वाई एक्सिस, दैट इज मोशन इन अ प्लेन, एंड थर्ड इज मोशन इन थ्री डायमेंशन। इन थ्री डायमेंशन का मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब इट्स स्पेस, एंड वी टॉकिंग अबाउट मोशन इन स्पेस। ठीक है, जैसे कि चिड़िया, राइट, जो पंछी उड़ती है वो कैसे उड़ती है, थ्री डायमेंशन में उड़ती है, स्पेस में उड़ती है, तो थर्ड इज मोशन इन थ्री डायमेंशन। ठीक है, थर्ड थ्री डायमेंशन, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मोशन इन स्पेस, इन अ प्लेन की जगह मोशन इन स्पेस, राइट, बिकॉज स्पेस इज थ्री डायमेंशनल, स्पेस में वॉल्यूम है और वॉल्यूम क्या है, थ्री डायमेंशनल है, तो पार्टिकल मूव्स इन स्पेस, राइट, इट मूव्स इन अ वॉल्यूम, मूव्स इन स्पेस। ठीक है, तो अब ये वन डायमेंशन नहीं, थ्री डायमेंशन, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस आ जाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो पार्टिकल इस तरह से वो प्लेन चेंज कर रहा है, प्लेन चेंज कर रहा है, तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे काइट, है कि नहीं, जैसे काइट,
आप लोग काइट उड़ाते हो है ना, जब आप काइट उड़ाते हो तो आप देखते हो कि वो काइट का प्लेन चेंज होता रहता है, उसका हाइट चेंज होता है, उसके प्लेन चेंज, वो पूरा स्पेस यूटिलाइज कर रहा होता है, हर जगह उड़ रहा होता है कि नहीं। तो काइट, मस्कीटो, देखा आपने मस्कीटो, देखा ही होगा। तो वो मस्कीटो कैसे उड़ता है कि नहीं, यहाँ आके बैठ जाता है ऐसे, उसको रखो ऐसे करता है। तो ये क्या है, ये है मोशन इन थ्री डायमेंशन, ठीक है, मतलब इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब चेंज हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन से, जो कि बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे मोशन इन टू डायमेंशन, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन थ्री डायमेंशन के बारे में, राइट। जब हम लोग रोटेशनल मोशन में आएंगे तो वहां पे जो पार्टिकल है उसका लेंथ, वो मतलब जिस तरह से मूव कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है ये अलग अलग चीजें, अलग अलग जैसे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे वैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, राइट। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। ओके, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि पॉइंट, ऑब्जेक्ट और रिजिड बॉडी में क्या डिफरेंस है। एक बार फिर आपको मैं वो पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब हम किसी को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट ले लो आप, ठीक है, अगर इसके सारे पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं सब के सब, तो हम लोग इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। मतलब इसको पूरे को हटाकर हम लोग इसको सिर्फ एक पॉइंट ले सकते हैं, पॉइंट। तो इजी हो जाएगा ना हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं कैसा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इसके अंदर के सारे पार्टिकल्स जो है वो सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होने चाहिए, ठीक है, उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है। अभी रिजिड बॉडी, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग वी कैन ट्रीट इट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब पूरे को हटा के पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, सवाल सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये शुरू के जो हमारे चैप्टर्स हैं, राइट, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, सर्कुलर मोशन, यहां तक जो है हमारे सारे हमारे क्या आएंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। इसके बाद जो रोटेशन और सेंटर ऑफ मास चैप्टर आएगा उसमें हमारा आएगा रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या होगा, रिजिड बॉडी मतलब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ये मार्कर को फेंका, ऐसे घुमा के फेंका, ऐसे ऐसे घुमा के फेंका, तो अब मार्कर को घुमा के फेंका तो क्या, होगा, तो ये जो मार्कर है बेसिकली ये एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो कभी ये ऐसा हो जाएगा, कभी फिर ये ऐसा हो जाएगा, कभी फिर ये ऐसा हो जाएगा, राइट। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हर पॉइंट जो है, हर पॉइंट का वेलोसिटी अलग है। इसकी जो वेलोसिटी है ये V1 है तो ये V2 है, ये कुछ V3 है तो ये कुछ V4 है। तो हर जो पॉइंट है सबका वेलोसिटी क्या है, अलग है, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं रिजिड बॉडी, हम लोग क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। तो आप देख सकते हैं इसमें कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन है, ये रोटेट भी कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है कि नहीं। इसका जो सेंटर है ये आगे भी जा रहा है, यानी ट्रांसलेशन भी है, और उसके अबाउट ये रोटेट भी कर रहा है, मतलब यहाँ पे रोटेशन भी है। तो रोटेशन भी है, ट्रांसलेशन भी है, ठीक है। तो जब भी रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों इन्वॉल्व होगा, उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे रिजिड बॉडी। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे रिजिड बॉडी, ठीक है। तो जो भी हमारा जो आगे का 7th 8th 9th चैप्टर जो है, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, तो इन सब में वी आर गोइंग टू डील विद, राइट, विद रिजिड बॉडीज। और जो हमारे शुरू के चैप्टर्स है उसमें वी आर गोइंग टू डील विद पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसमें हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो ऑब्जेक्ट के अंदर के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, ऐसा हम अज्यूम करेंगे, ठीक है, ऐसा मान के हम सॉल्व करेंगे, यानी पॉइंट पार्टिकल मान के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो हमारे आगे के चैप्टर्स हैं रोटेशनल मोशन, उसमें दोनों आ सकता है, उसमें पॉइंट पार्टिकल भी आ सकता है और उसमें रिजिड बॉडी भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के बारे में, कि इस चैप्टर में हम लोग मतलब आगे कैसे कैसे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, फिजिक्स जो है, फिजिक्स में बेसिकली मतलब ये जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स, ठीक है। यानी ये आपका फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स का। तो फिजिक्स में टोटली 6 पार्ट्स हैं। पहला जो है वो है मैकेनिक्स, ठीक है। दूसरा है वेव्स, SHM वेव्स। तीसरा है थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। फोर्थ है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। फिफ्थ है ऑप्टिक्स और सिक्स्थ है मॉडर्न फिजिक्स। तो अभी आपका ये फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, यानी अभी मैकेनिक्स जस्ट स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है। तो अभी तक जो भी आपने सीखा वो सब बस एक बेसिक मैथमेटिक्स था जो यहाँ पे आगे फिजिक्स में यूज होने वाला है, ठीक है। ऑलराइट, तो जो मैकेनिक्स है इसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है डायनेमिक्स, ठीक है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स होता है स्टडी ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स क्या होता है? वो होता है स्टडी ऑफ मोशन, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ मोशन है कि नहीं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी कंबाइंड ट्रांसलेटरी ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। तो टू स्टडी दिस मोशन, राइट, स्टडी ऑफ मोशन, टू फाइंड एक्सेलरेशन, टू फाइंड वेलोसिटी, टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब जो चीजें इसको फाइंड करना, क्या किसी भी टाइम टी पे, राइट, एट टाइम टी इक्वल टू टी, राइट, एट टाइम टी इक्वल टू टी, टू फाइंड ऑल दिस थिंग्स, राइट, दिस इज बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन, दिस इज बेसिकली काइनेमेटिक्स, राइट, जस्ट टू स्टडी दिस मोशन। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, राइट। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू इतना दिया है, फाइनल वेलोसिटी v फाइंड करना है टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे, तो आप करते थे, राइट, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो वो है स्टडी ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, ठीक है। और दूसरा है डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स है बेसिकली कॉज ऑफ मोशन। डायनेमिक्स क्या है बेसिकली? वो है कॉज ऑफ मोशन। तो कॉज ऑफ मोशन मतलब, कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्स। तो फोर्स का स्टडी करना, राइट, फोर्स का स्टडी करना, उसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक्स। ऑलराइट, तो इसमें जो चैप्टर्स आते हैं वो आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, राइट, क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बेसिकली फोर्स के बारे में बात किया गया है, फ्रिक्शन, राइट, उसके बाद इसी में फोर्स का जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है यानी टॉर्क होता है, टॉर्क का स्टडी। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे ये मैकेनिक्स जो है बेसिकली इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो फर्स्ट सेक्शन है फिजिक्स का इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग ये काइनेमेटिक्स पढ़ने वाले हैं और डायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन में नहीं, ये सब चीज जो कुछ सिचुएशंस दी है उस सिचुएशंस में हमें ये सब चीजों को फाइंड करना, राइट। और दूसरा है डायनेमिक्स, मतलब डायनेमिक्स जो है वो हमारा फोर्थ फिफ्थ चैप्टर रहेगा, यानी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, ये सब जो चीजें, कि ये जो मोशन हो रहा है मोशन के पीछे का कॉज क्या है, मोशन के पीछे का मोशन क्यों हो रहा है, राइट, तो मोशन हो क्यों रहा है, तो उसका कॉज वो स्टडी करना यानी फोर्स को स्टडी करना। तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द फर्स्ट 10 चैप्टर्स। तो फर्स्ट 10 चैप्टर्स में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मोशन एंड अबाउट द कॉज ऑफ मोशन, राइट, अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, है ना, अबाउट 1 डायमेंशनल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, अबाउट 2 डायमेंशनल मोशन, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, राइट, अबाउट 3 डायमेंशनल मोशन, राइट, मोशन इन अ स्पेस, उसको पढ़ने वाले, एंड देन टू स्टडी द कॉजेज ऑफ मोशन, ओके। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विथ मोशन इन 1 डायमेंशन, ऑलराइट। सो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, यू कैन जस्ट नोट दीज थिंग्स अ लिटिल बिट एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू कम अहेड। तो जस्ट आई हैव डिस्कस्ड दैट इन ब्रीफ, तो उसको आप समझिए, एंड वी विल डिस्कस मोशन 1 डायमेंशन इन द नेक्स्ट लेक्चर, ऑलराइट।